फेसबुक ने मोबाइल यूजर के काम को आसान करने के लिए फेसबुक एड्स का एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल फोन से फेसबुक एड्स मैनेजर को कंट्रोल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं जस्ट यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने फेसबुक एड्स मैनेजर को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि एक कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से बिलिंग ऐड कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन में क्या क्या खास बात है जिसकी मदद से आप अपने एड्स मैनेजर को मोबाइल फ़ोन में कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में बात करूँगा। तो एप्लीकेशन का लिंक प्ले स्टोर पर है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप चाहें तो दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड तो एक ही एप्लीकेशन करना है, अब माध्यम आप दोनों जगह चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है फेसबुक एड्स की एप्लीकेशन, देखिए सेम डेस्कटॉप की तरह है, डेस्कटॉप के जितने भी फीचर्स हैं उसके 60-70% फीचर आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन में भी मिल जाते हैं एड्स मैनेजर के बेसिकली, ठीक है, जहाँ से आप कैंपेन ऐड कर सकते हैं, बिलिंग की डिटेल्स देख सकते हैं, आप क्रिएट कैंपेन कर सकते हैं, आप जो भी एड्स कैंपेन की जो डिटेल्स आ रही हैं जैसे कि रीच, इंप्रेशन, लिंक क्लिक्स, कितने इन्वेस्ट हुए, कितने ऐड हुए, ये सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन वगैरह आप अपने इस एप्लीकेशन में देख सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, तो चलिए इसे यूज करना देखते हैं। तो एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद आपके पास जितने भी कैंपेन आप बनाते हैं वो कैंपेन यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से दिख रहे हैं। अभी देखिए आप इसमें कैंपेन एडिट कर सकते हैं, कैंपेन पे क्लिक करिए और कैंपेन की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे लिंक क्लिक, कॉस्ट पर लिंक क्लिक, अमाउंट स्पेंड, रीच, इंप्रेशन, सारी चीज़ देख सकते हैं। यहाँ ऐड प्रीव्यू का ऑप्शन, ऐड प्रीव्यू पे आप क्लिक करके अपने ऐड का प्रीव्यू देख सकते हैं किस तरीके से ऐड शो करता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख जाता है, एडिट पे क्लिक करके आप इसके सारे चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, जैसे बजट, शेड्यूल, ऑडियंस प्लेसमेंट, ऐड क्रिएटिव। तो अगर आपको कोई भी एडिट करना है तो उस पर क्लिक करिए, जैसे कि ऐड क्रिएटिव पे मैंने क्लिक किया, अभी आप ऐड का क्रिएटिव एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, कॉल टू एक्शन एडिट कर सकते हैं, इस तरीके से आप ऐड क्रिएटिव एडिट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी आप चाहें एडिट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बिलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, साथ में क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से शुरू से क्रिएट कैंपेन कर सकते हैं, यानी आपको ऑब्जेक्टिव सर्च करना है, जिस तरीके से आप फेसबुक के डेस्कटॉप में कैंपेन बनाते हैं उस तरीके से यहाँ पे भी आप कैंपेन बना पाएंगे। उसके बाद आपको मिल जाता है बिलिंग का ऑप्शन, जिसमें आप अपने पेमेंट मेथड को ऐड कर पाएंगे यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, अगर आप चाहें तो पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड फंड का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप फंड ऐड कर पाएंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बिलिंग सेक्शन में आपको ज़्यादातर क्रेडिट और डेबिट कार्ड मिलते हैं, लेकिन मेरी पिछली वीडियो देखिए, मैंने उसमें बताया है कि इस तरीके से आप UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल करवा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आप इसे इस्तेमाल करिए, सीखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर पे भी आप इसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आपने एप्लीकेशन के बारे में देखा कि एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज करना, हालांकि मैंने इन डेप्थ एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं किया। अगर आप चाहते हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बताइए, मैं 8-10 मिनट की एप्लीकेशन पर ही एक वीडियो बनाऊंगा। तो बात यह है, ठीक है, अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करिए और आप अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के जो डेस्कटॉप में खुलता है उसके सारे ऐड अकाउंट को देख सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, मतलब एड्स अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो क्या करना है आप ये जानते हैं, मैं फोर्स नहीं करूँगा।